मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबों को जय मसीह की। आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग भी जानें और प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, अपने मनों को फिराएं और पाप करने से बचें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वचन निकालते हैं यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या हम 5 को पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है। कौन? प्रभु बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है, मैं माता के गर्भ में रचने से पहले ही तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुमको पवित्र किया है। आपको माता के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु जानता है। आपकी हर एक बातों को जानता है प्रभु। प्रभु आपको रचा है, प्रभु आपको पवित्र किया है। आपको घर में आने से पहले ही, रचने से पहले प्रभु आपको पवित्र किया है। और जब वचन हम पढ़ते हैं पहला कुरंथिया अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रभु बोल रहा है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। वो आपको माता के गर्भ में रचने से पहले ही आपको पवित्र किया है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। आप लोग सतर्क हो जाए, ध्यान दे प्रभु के वचनों पर। अपने शरीर का अभिलाषा ना पूरी करें, अपने शरीर से व्यभिचार न करें, गंदे काम न करें, अपने शरीर में तरह तरह की योजनाएं इच्छाएं अपने शरीर से ना पूरा करें। आप लोग परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप लोग विश्वास करें, परमेश्वर नहीं तो आपको नष्ट कर देगा। यदि आप परमेश्वर के मंदिर के खिलाफ, परमेश्वर के मंदिर में गलत गलत काम करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा, आपको दंड देगा। आप लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र किया है। आपको पवित्र रहना चाहिए, आपको शुद्ध किया, और वो चाहता है कि आप हमेशा शुद्ध रहें। परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप शुद्ध रहें, पवित्र रहें, प्रभु खुश रहेगा, आनंदित रहेगा और प्रभु आपको आशीष देगा, उस मंदिर का उन्नति करेगा, आपके शरीर का उन्नति करेगा। आप लोग अपने शरीर को पवित्र रखें। प्रभु आपको चुना है और वो चाहता है कि आप पवित्र रहें। आप परमेश्वर के मंदिर को साफ रखें। बहुत सारे लोग नशे करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्रोध होता है, उन सारे लोगों को देखता है, परमेश्वर क्रोधित होता है, उनको लास्ट में दंड दिया जाएगा। परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर न्याय सिंहासन लगाएगा उसके सामने उसको लज्जित होना पड़ेगा, उनको नरक में डाला जाएगा। इसलिए मसीह भाई बहनों आप लोग विश्वास करें, प्रभु के वचनों से डरे। आप लोग परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के मंदिर को आप लोग शुद्ध रखें तो आपको परमेश्वर आशीष देगा और आपको स्वर्ग राज में प्रवेश कराया जाएगा। इसलिए आप लोग परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध और स्वच्छ रखें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबों को जय मसीह की।